Hi, good morning. My name is Dr. Abhikant Porwal. I am an infectious disease specialist working at Manipal Hospital, Jaipur. Friends, जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक चल रहा है. इस वीक में हमारा प्रयास है आप सभी को एंटीबायोटिक्स के बारे में अवेयर करना और उसके कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बताना. देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो इस मौके पर मैं आपको बताना चाहूँगा. सबसे इम्पॉर्टेंट, एंटीबायोटिक्स हर बुखार के लिए, हर इन्फेक्शन के लिए, हर संक्रमण के लिए नहीं होता है. एंटीबायोटिक्स वायरल डिजीजेस के ऊपर काम नहीं करता है. अमूमन 90% लोग जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं वो वायरल इन्फेक्शंस के लिए करते हैं, जैसे गला खराब होना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, जुकाम, या फिर लूज मोशन होना, फूड पॉइजनिंग होना. अमूमन हम लोग ये देखते हैं कि 90% एंटीबायोटिक यूज ओपीडी में इन दो प्रॉब्लम्स के लिए किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, अननेसेसरी यूज है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करते. एंटीबायोटिक्स वो दवा है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर काम करता है. तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो ही एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए. हमें वायरल इन्फेक्शन में या सीजनल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक के प्रयोग से बचना चाहिए. क्यों हम लोगों को ये सावधानी बरतनी चाहिए ये भी जानना आवश्यक है, और उसके लिए हमें एक शब्द को समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. फ्रेंड्स, होता क्या है कि जिस तरह से हम लोग किसी भी घटना से या किसी भी चीज़ से बचाव के लिए कुछ प्रयास करते हैं, उसी तरह से ये जो बैक्टीरियाज हैं, ये जो विषाणु कीटाणु हैं, एंटीबायोटिक से बचने के लिए अपनी संरचना में, अपने प्रकार में, अपने कार्य करने के तरीके में कुछ बदलाव करते हैं, और उस बदलाव के फलस्वरूप वो एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं. फिर एंटीबायोटिक्स उन विषाणुओं को या कीटाणुओं को मारने में असफल होता है. और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है? अगर हम इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स करेंगे, यानी जब इसकी आवश्यकता नहीं है तब ले रहे हैं, जैसे वायरल हुआ है उसमें हमने एंटीबायोटिक खाया है, उसकी डेफिनेटली आवश्यकता नहीं है, तो वो हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को फ्यूल करेगा. दूसरा, वेटनरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं लाइक चिकन, मटन, जो लोग नॉनवेज का मांसाहार करते हैं, उन लोगों को भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आजकल नॉन वेजिटेरियन इंडस्ट्री में ग्रोथ प्रमोटर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं. तो जानते न जानते हुए हम लोग जब नॉनवेज का यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उन एंटीबायोटिक्स का सेवन भी उन पदार्थों के द्वारा शरीर में कर रहे हैं. और तीसरा है हाइजीन से रिलेटेड इश्यूज. कई बार क्या होता है कि हम लोग पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं. अगर हम हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में जा रहे हैं या क्राउड में जा रहे हैं जहाँ पर हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, उनके अंदर हमें हाइजीन का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतना ही एंटीबायोटिक्स का यूज आपके शरीर पर ज़्यादा करना पड़ेगा जब आपको इन्फेक्शन होगा, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है. मोर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विल लीड टू मोर एंटीबायोटिक यूजेस. हम लोग इतने भाग्यशाली नहीं है कि हमारे पास एक इनडेफिनेट लिस्ट हो जिसमें हम कोई भी एंटीबायोटिक किसी भी इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सके. हमारे पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं. कुछ गिनी चुनी दवाइयाँ हैं जो इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं. तीसरा और सबसे खास जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि एंटीबायोटिक्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. इसका मतलब है कि ये बस किसी भी प्रकार से पैदा कर लिया जाए ऐसा नहीं है. ये एक लिमिटेड ऑप्शन वाली मैजिक बुलेट्स हैं, जो अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ था, तो पेनिसिलिन हर प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने में कामयाब होता था. आज हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एंटीबायोटिक ईरा, यानी कि हम आज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से पेनिसिलिन से बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते. तो यह जो एक जर्नी हमने की है प्री एंटीबायोटिक ईरा से पोस्ट एंटीबायोटिक ईरा तक की, ये हमारे लिए आगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ
बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है जब हम गंभीर मरीजों का इलाज हेल्थ केयर सेटिंग्स में करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वी हैव टू बी अवेयर। किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, जागरूक रहना जरूरी है। अगर हम जागरूक होंगे तो शायद हम एंटीबायोटिक्स को लाइफ सेवर की तरह यूज़ कर पाएंगे, बजाय जस्ट लाइक दैट जो हम लोग नी जर्क रिएक्शंस की तरह एंटीबायोटिक्स यूज़ कर लेते हैं। आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से जब भी एंटीबायोटिक्स का आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए उसके बारे में चर्चा करें, उनसे पूछें, एक बार डबल चेक करें कि क्या इसे इसके सेवन की मुझे वास्तव में आवश्यकता है, तभी हम सच्चे मायनों में अवेयर कस्टमर कहलाएंगे, अवेयर पेशेंट कहलाएंगे और हम एज ए होल कम्युनिटी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं। तो आई थिंक सबका साथ सबका प्रयास एक ऐसी चीज़ है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से होने वाले नुकसान को हम बहुत हद तक रोक सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।